हेलो दोस्तों। तो रूरल मार्केटिंग की ये सेकंड क्लास है। फर्स्ट क्लास में हमने एमएमसीक्यू डिस्कस किए हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एलिमेंट ऑफ रूरल मार्केटिंग मिक्स। जैसा कि हमने पढ़ा है पीछे भी रूरल मार्केटिंग मिक्स को, यानी निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण विपणन मिश्रण का तत्व नहीं है। हमने पढ़ा था कि रूरल मार्केटिंग मिक्स में, एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ, मिक्स का मतलब क्या होता है। कोई भी कंपनी है, ठीक है, कोई भी कंपनी जब अपना प्रोडक्ट सेल करना चाहती है ना, तो अपने प्रोडक्ट को मैक्सिमम मैक्सिमम सेल कर सके, इस स्ट्रेटजी को वो जब अपनाती है तो इनको बोलते हैं मार्केटिंग मिक्स। अलग अलग तरीके अपनाती है वो, उनमें से वो मॉडल फॉलो करती है 4P का। ये हमने पढ़ लिया है ऑलरेडी। तो उसमें से प्रोडक्ट है एक, प्राइस भी है, प्लेस भी है, लेकिन परचेज नहीं है। ठीक है, परचेज की जगह क्या आना था, प्रमोशन। ठीक है, लेकिन एग्जामिनर ने परचेज दे दिया, तो ये एक नोट एलिमेंट है, तो हमारा आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, थोड़ा सा आपको मैं इलेबोरेट कर देता हूं। देखिए, प्रोडक्ट प्रोडक्ट प्राइस और प्लेस, इससे भी डिपेंड करता है कोई भी प्रोडक्ट सेल होगा या नहीं, या फिर मार्केट में कितना ज्यादा सेल होगा। तो कोई भी कंपनी जब भी प्रोडक्ट सेल करती है अपना, तो ध्यान रखती है कि उसकी प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है, उसका प्राइस यानी मूल्य कितना है, और प्लेस कहाँ पे वो अवेलेबिलिटी कैसी है, और प्रमोशन कैसे उसको प्रमोट कर रही है। तो ये एक एलिमेंट नहीं है रूरल मार्केटिंग मिक्स का। क्या एलिमेंट नहीं है, परचेज नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज कॉल्ड प्रोडक्ट पोजिशनिंग, प्रोडक्ट पोजिशनिंग किसे कहते हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जैसा कि हमने पीछे भी देखा है, जो भी सब्जेक्ट थ्योरिटिकल होते हैं तो उनसे पॉसिबिलिटी ज्यादा है कि थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आने की संभावना है। तो हम देख लेते हैं, क्या एक्ट ऑफ डिवाइडिंग कंपनी प्रोडक्ट है, एक्ट ऑफ सेलिंग कंपनी शेयर है, या एक्ट ऑफ पोजिशनिंग एम्प्लॉय, या एक्ट ऑफ डिजाइनिंग कंपनी इमेज। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा ए। तो इसको मैं थोड़ा सा आपको इलेबोरेट कर देता हूँ कि कंपनी की छवि डिजाइन करने का कार्य है। यानी जैसे कि प्रोडक्ट पोजिशनिंग का क्या मतलब होता है, कोई भी कंपनी अपना एक नीशे डिसाइड कर लेती है कि उसे क्या चीज सेल करनी है। जैसे जब आप जॉनसन एंड जॉनसन के प्रोडक्ट, जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी के बारे में सोचते हो, तो आपको बेबी प्रोडक्ट दिमाग में आता है। मतलब उसने खुद के प्रोडक्ट को एक पर्टिकुलर पोजीशन पे रख दिया, मतलब खुद की इमेज डिसाइड कर दिया कि वो क्या करने वाली है। जैसे आपके माइंड में अगर हीरो कंपनी आती है, तो आपके माइंड में ये आएगा कि बाइक्स, यानी बाइक सेल करती होगी वो कंपनी। तो ऐसे इसको बोलते हैं प्रोडक्ट पोजिशनिंग, कि आपको उस प्रोडक्ट से उस कंपनी का ही पता चल जाए। ठीक है ना, तो इस चीज को बोलते हैं एक्ट ऑफ डिजाइनिंग द कंपनी इमेज। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, ठीक है, पार्ट ऑफ 4A मॉडल ऑफ रूरल मार्केटिंग मिक्स। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन ग्रामीण विपणन मिशन के 4A मॉडल का हिस्सा नहीं है। देखिए, हमने ऑलरेडी 4P मॉडल डिस्कस किया था। 4P मॉडल, जो 4P मॉडल होता है ना, ये होता है कंपनी की तरफ से, भाई कंपनी क्या क्या कर सकती है। ठीक है, और जो 4A मॉडल होता है, ये होता है कंज्यूमर की तरफ से, कंज्यूमर क्या कर सकता है। जैसे एक कंपनी ने अपना प्रोडक्ट सेल किया, तो दो इमेज होगी ना, एक कंज्यूमर की तरफ से देखना, एक कंपनी की तरफ से देखना। तो ये है 4A मॉडल। तो इसमें क्या क्या चीजें नहीं है, उसने पूछा नॉट ए पार्ट ऑफ, तो इसका आंसर है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी इसका पार्ट नहीं है। तो इसका पार्ट क्या है, इसका पार्ट है अफोर्डेबिलिटी। ठीक है, सामर्थ्य, कि भाई क्या कस्टमर अफोर्ड कर सकता है नहीं। कोई भी कस्टमर प्रोडक्ट लेने से पहले ऐसा सोचता है, क्या वो अफोर्ड कर सकता है नहीं। अवेलेबिलिटी, क्या उस प्रोडक्ट की उसके पास अवेलेबिलिटी है। जैसे फॉर एग्जांपल, जो रूरल एरिया होता है उसके अंदर हम जैसे यूज करते हैं जो प्रोटीन का सोर्स, जैसे एग्स वगैरह, वो लोकल ही होते हैं। लोकल कहीं कहीं लोकल जो जितने भी प्रोडक्शन सेंटर है वहां से अवेलेबिलिटी होती है उनकी, लेकिन कोई ब्रांडेड आपको नहीं देखने को मिलते। तो वहां पे अवेलेबिलिटी नहीं है, तो वो प्रोडक्ट वहां पे सेल नहीं हो पाएगा। एक्सेप्टेबिलिटी, कि भाई वो कंज्यूमर को कितना एक्सेप्ट कर रहा है, मतलब कंज्यूमर उस प्रोडक्ट को, क्या वो उसको एक्सेप्ट कर पा रहा है भी है या नहीं, या फिर वो उसकी रेंज से बाहर है। कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं ना जो रूरल, जो कंज्यूमर है उसके बिहेवियर पे डिपेंड करता है कि क्या वो अडेप्ट है नई चीजों को लेके। ठीक है, और एक्यूरेसी इसका आंसर नहीं है। एक्यूरेसी की जगह जो इसका 4A मॉडल में जो 4A है वो है अवेयरनेस। ठीक है, अवेयरनेस, क्या उसको अवेयर है। जैसे कि सैनिटरी प्रोडक्ट्स होते हैं, तो क्या रूरल कंज्यूमर है सैनिटरी प्रोडक्ट्स के बारे में, वह जानता है भी या नहीं। तो ये है 4A मॉडल ऑफ रूरल मार्केटिंग मिक्स। हमने पढ़ा जो रूरल मार्केटिंग मिक्स होता है ना, उसके दो मॉडल होते हैं।
एक 4P मॉडल और एक 4A मॉडल। जो 4P मॉडल वो काम करता है कहां से, कंपनी की तरफ से, और 4A मॉडल काम करता है कंज्यूमर की तरफ से। तो हमने दोनों को देखा है, 4P पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया था हमने, और 4A हमने इसमें डिस्कस कर लिया है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ फोक मीडिया इन प्रमोशन स्ट्रेटजी फॉर रूरल मार्केटिंग। ठीक है, ग्रामीण विपणन के लिए प्रचार रणनीति में निम्नलिखित में कौन सा लोक मीडिया का हिस्सा नहीं है। देखिए, ये एक टॉपिक है हमारा, जो अलग अलग स्ट्रेटजीज हैं रूरल मार्केटिंग की, प्रोडक्ट सेल करने की। तो उनमें से एक स्ट्रेटजी है जैसे कि फोक मीडिया, तो इसके कौन से कंपोनेंट हैं ये डिस्कस करना है। तो इसने पूछा नोट, ठीक है, तो कौन सा नहीं है फोक मीडिया। देखिए, पपेट शो, जो पपेट शो होते हैं वहां पे अगर कोई कंपनी अपना प्रोडक्ट सेल करवा रही है पपेट शो के थ्रू, या वहां पे एडवर्टाइज कर रही है, तो ये एक फोक मीडिया का एग्जांपल है। उसके बाद तमाशा, उसके बाद नौटंकी, ये सारे फोक मीडिया है। लेकिन टेलीविजन, ये एक डिजिटल मीडिया का एग्जांपल है। तो हम अलग अलग प्रमोशन स्ट्रेटजी को डिस्कस करेंगे। मैं एक थ्योरी की क्लास और लेके आऊंगा, एक चैनल पे ऑलरेडी है, एक और आएगी। दो क्लासेस में आपका पूरा का पूरा जो रूरल मार्केटिंग का सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके अलावा ये एमसीक्यू की क्लास हम डिस्कस करते रहेंगे। ठीक है, तो हमने देख लिया फोक मीडिया के अंदर कौन सा इनमें से नहीं है, टेलीविजन जो कि एक मास मीडिया है। तो अलग अलग स्ट्रेटजीज होती है प्रोडक्ट को सेल करने की, कि लोगों तक कैसे पहुंचाया जाए। ठीक है, आई होप ये समझ में आया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एफएमसीजीज, एफएमसीजी भाई इनमें से कौन सा एफएमसीजी नहीं है। देखिए, कॉस्मेटिक्स, टी, कॉफी, वॉशिंग मशीन। ठीक, तो एफएमसीजी नहीं है, कौन सा है, वॉशिंग मशीन नहीं है। इसको अच्छे से मैं आगे डिस्कस करूंगा। देखिए, एफएमसीजी स्टैंड फॉर, इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर आ गया। तो देखिए, जब भी प्रोडक्ट्स की बात करते हैं, प्रोडक्ट्स अलग अलग टाइप के होते हैं, लेकिन कुछ टाइप उसके डिपेंड करते हैं यूजेबिलिटी पे, भाई कितना यूसेज है उसका, यानी टाइम पीरियड पे, भाई कब तक उसको यूज किया जा सकता है। तो उस टाइम पीरियड पे कुछ प्रोडक्ट होते हैं ड्यूरेबल, ठीक है, तो कुछ प्रोडक्ट होते हैं नॉन ड्यूरेबल। ठीक है, नॉन ड्यूरेबल, ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स वो होते हैं जो हम लंबे समय तक यूज कर सकते हैं, और नॉन ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स वो होते हैं जो हम लंबे समय तक यूज नहीं करेंगे, और इन्हीं प्रोडक्ट्स को बोलते हैं हम एफएमसीजी, यानी फास्ट मूविंग कंज्यूमरेबल गुड्स। ठीक है, तो हमने उसमें देखा कि भाई फास्ट मूविंग कंज्यूमरेबल गुड्स नहीं है, मतलब जो नॉन ड्यूरेबल नहीं है, मतलब नॉट एफएमसीजी है। एफएमसीजी का मतलब क्या होता है, जो फास्ट मूविंग है, मतलब उसकी ड्यूरेशन कम है। तो इनमें से इनकी कॉस्मेटिक की ड्यूरेशन भी कम होती है, टी की भी, कॉफी की भी, लेकिन वॉशिंग मशीन की ड्यूरेशन ज्यादा होती है। मतलब ये कौन सा पार्ट है, ड्यूरेबल प्रोडक्ट है, ये कौन सा है, ड्यूरेबल प्रोडक्ट है। देखिए, वॉशिंग मशीन हमें एक बार परचेज करने के बाद काफी लंबे टाइम तक नहीं परचेज करते, ठीक है, और यही हमने देखा एफएमसीजी में। ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स वो होते हैं जैसे वॉशिंग मशीन हो गया, एसी हो गया, टेलीविजन हो गया, मोबाइल फोन हो गया, ठीक है, बाइक हो गया, ये सारे प्रोडक्ट्स होते हैं ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स। और एफएमसीजी जिनको हम बार बार यूज करते हैं, कॉस्मेटिक हो गया, डेली यूसेज की चीजें हो गई, जैसे टूथपेस्ट हो गया, ब्रशेज हो गई, ये सारी चीजें हैं नॉन ड्यूरेबल, यानी एफएमसीजी के प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो हो सकता है एग्जामिनर इसकी डेफिनेशन भी पूछ ले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एज पर नाबार्ड, रूरल एरिया कंसिस्ट ऑफ मैक्सिमम पॉपुलेशन, यानी नाबार्ड के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में अधिकतम जनसंख्या होती है। जैसा कि हमें पता है कि रूरल मार्केटिंग है, यानी मार्केटिंग कहाँ पे हो रही है, रूरल एरिया में हो रही है। तो हमें यह पता होना भी जरूरी है कि भाई रूरल एरिया कौन सा है। तो अलग अलग बॉडीज है, उसने रूरल एरिया की अलग अलग डेफिनेशन दी है। तो ऐसी ही डेफिनेशन दी है नाबार्ड ने। तो नाबार्ड ने ऐसी डेफिनेशन दी कि जहां की ज्यादा से ज्यादा, यानी मैक्सिमम पॉपुलेशन कितनी हो, 10,000। ठीक है, और यही आंकड़ा दिया है आरबीआई ने। ठीक है, उसके अलावा प्लानिंग कमीशन ने भी। तो एज पर डिफरेंट बॉडीज, ऐसा एरिया जहां की मैक्सिमम पॉपुलेशन 10,000, ठीक है, तो उस एरिया को बोलते हैं हम रूरल एरिया, और वहां पे की परफॉर्म की गई एक्टिविटीज उनको बोलते हैं हम रूरल मार्केटिंग। वो हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया क्लास वन में जो एमसीक्यू है। आपने अगर वो नहीं देखी है तो डेफिनेटली जाके देखें, आपको हेल्प होगी अंडरस्टैंडिंग में, एक हेल्प होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन इन अर्बन एरिया वर्क्स इन नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटी एज पर सेंसस 2011। काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो रूरल मार्केटिंग से रूरल डाटा है ना, जो एक वीडियो में रूरल डाटा पे भी लेके आऊंगा, रूरल डाटा जैसे सेंसस, सेंसस के अंदर अगर कोई रूरल डाटा है तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है।
तो इस क्वेश्चन में पूछा है कि जो अर्बन एरिया है उसके अंदर जो क्या क्या कंडीशन है अर्बन एरिया की, भाई कितने परसेंटेज लोग कार्य करते हैं गैर कृषि कार्यों में। गैर कृषि कौन से कार्य होते हैं? जैसा हम जानते हैं इकोनॉमी में तीन सेक्टर होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर एग्रीकल्चर सेक्टर होता है, एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर। इसके अंदर एग्रीकल्चर से जुड़े हुए जैसे कि डायरी, ये सारे चीजें सेक्टर होते हैं। सेकेंडरी सेक्टर कौन सा होता है? इसमें होता है मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग जैसे कंपनियां कोई चीजें बना रही है, कार बना रही है, बाइक बना रही है। और थर्ड सेक्टर होता है सर्विस सेक्टर, जैसे कि गवर्नमेंट सर्विसेज है, मतलब गवर्नमेंट जॉब पे है कोई बंदा, या फिर बैंकिंग सर्विस में है, जहां पे कोई प्रोडक्ट की क्रिएशन नहीं हो रही, बस एक एक्सचेंज हो रहा है इंफॉर्मेशन का, तो उसको बोलते हैं सर्विस सेक्टर। तो मतलब जो इन सेक्टरों में कार्य करते हैं, तो कितनी पॉपुलेशन है? 75%। तो ये है ऑफिशियल डाटा। तो 75% लोग एज पर सेंसिस 2011 के अकॉर्डिंग। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो नेक्स्ट देख लेते हैं, मार्केटिंग फॉर मैनेजर बुक इज रिटन बाय, तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है फ्रेडरिक एप वेबस्टर के द्वारा। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। और जो बाकी ये जितने भी राइटर हैं ये जुड़े हुए हैं रूरल मार्केटिंग से। ठीक है, इन्होंने भी अलग अलग बुक्स लिखी है। आने वाली क्लासेस में मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो राइटर है वे डिस्कस करूंगा। तो मार्केटिंग फॉर मैनेजर फ्रेडरिक एफ वेबस्टर। तो ये थे क्वेश्चन आज की इस क्लास में। आई होप आपने कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर नया सीखने को नहीं मिला है तो आपकी रिवीजन जरूर हुई होगी। इसके अलावा देखिए, अगेन मैं रिपीट कर देता हूं, अगर आपको रूरल मार्केटिंग की बुक डाउनलोड करनी है तो आप टेलीग्राम चैनल पर जाके उसको डाउनलोड कर सकते हैं। चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाके आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। उसके अलावा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं आप अपडेट्स पाने के लिए। तो इस वीडियो में ये सभी था। और जो बुक्स हैं रूरल मार्केटिंग की वो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है। अगर आपको डाउनलोड नहीं करनी है या फिर हार्ड कॉपी पढ़ना है तो आप उसको ऑनलाइन मंगवा सकते हैं। ऑनलाइन जो कि बुक है बीकॉम सेकंड ईयर की वीके पब्लिकेशन की, काफी अच्छी बुक है, आप रेफर कर सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा देखिए काफी स्टूडेंट्स के क्वेश्चन थे कि सर बाय फेस या फिर वेबकैम के साथ आप रिकॉर्ड कीजिए। देखिए मुझे लगता है कि ये मेथड जितना हमारा एग्जाम पास में है ये मेथड बेस्ट मेथड है, क्योंकि उससे आपको डिस्ट्रैक्शन होगी। तो मैं चाहता हूं कि आपका मैक्सिमम कंसंट्रेशन क्वेश्चंस पे हो, तो इसलिए मैंने ये मेथड प्रेफर किया है। तो दिस इज ऑल इन दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।